करना चाहते हैं, फिर अगर आप बात करना चाहते हैं प्लीज। हेलो एवरीबॉडी। अच्छा ये लाइटें आंखों में लगने से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कौन है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आनंद जी बैठे हैं, समूह जी बैठे हैं। अच्छा अभी ये तो हमारी पिक्चर की गाने की शुरुआत है हमारी आज, और पूरा मीडिया यहाँ पर है। मैं बस आपसे यही जानना चाहूँगा कि कहते हैं आज के ज़माने में प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है, पहले भी मैंने किया था लेकिन थक गया उस बार, पर मैं ज़रूर मानता हूँ कि सबसे बड़ी प्रमोशन आपकी पिक्चर का ट्रेलर होता है, और वो सिनेमा में जब दिखा देते हैं उसी वक्त, जब भी हम पिक्चर देखने जाते थे कोई पिक्चर का ट्रेलर देखते थे अच्छा लगता था तो दिमाग में तय कर लेते थे कि हम वो पिक्चर ज़रूर देखेंगे। उसके बाद फिर हम अभी आजकल एक मदारी की तरह ढोल लेके पीटते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं ओ देखो जी साड़ी पिक्चर आ गई, साड़ी पिक्चर देखो, साड़ी पिक्चर देखो। तो ये एक तरीका बहुत अजीब सा हो गया। एनीवे वी हैव टू डू इट बिकॉज ये आज का हिंदुस्तान है, आज का इंडिया है। अजी बहुत सारे लोग कुछ पूछना चाहते हैं, और एक बहुत स्पेशल पत्रकार हमारे साथ में बैठी हुई है, चश्मा पहन के। सर जी नमस्ते, शिखा चतुर्वेदी। आपसे सवाल है कि सिंह साहब द ग्रेट एक हीरो ओरिएंटेड फिल्म नज़र आ रही है, इसका टाइटल अभी यही कहता है, तो अगर कोई ऐसी फिल्म जो हीरोइन ओरिएंटेड हो और जिसके जिसका टाइटल भी हीरोइन के किरदार पे आधारित हो, क्या ऐसी फिल्म का हिस्सा होना चाहेंगे आप? क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली आई वुड बी। जब मैं हीरो बनकर मेरे साथ हीरोइन और वो मेरा हिस्सा बनती है तो मैं भी ज़रूर उसका हिस्सा ज़रूर बनूंगा, पर डिपेंड करता है कोई प्रोड्यूसर आए, एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। श्योर, थैंक यू। देखिए जो कैरेक्टर जो मैं पोर्ट्रे करने जा रहा हूँ उस फिल्म में जो अच्छा होगा तो डेफिनेटली आई वुड बी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर यू प्ले। जैसे दामिनी थी उसमें मैं हीरो नहीं था, वो मुझे कैरेक्टर सुनाया गया था और मैंने वो किया, मुझे खुद नहीं पता था कि उसका क्या होगा। वाह सनी जी आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे कि आप अपने एक्शन और डायलॉग्स के लिए मशहूर हैं, तो 2.5 किलो का हाथ और तारीख पे तारीख ये हमने बहुत सुना है, एक और डायलॉग जो आप हमें इन दोनों के अलावा आज सुनाना चाहेंगे? कुछ भी आपके जहन में जो भी आ रहा हो, किसी फिल्म का डायलॉग। यस यस और नो, यस शाम देखिए मुझे तो याद, मेरी पहली फिल्म थी जिसमें मैंने ये सब डायलॉग शुरू किए थे वो थी मेरी फिल्म घायल, उसका एक डायलॉग था, थोड़ा सा याद है, देखता हूँ। उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में, बस इन्हीं के हाथों को पहना सकती है आपकी हथकड़ियां, बलवंत राय के नहीं। अरे भाग कर कहां जा रहे हो, आई विल ड्रैग यू टू द कोर्ट, ये पास करी मेरे पे फॉर दिस। अच्छा जयंतीलाल जी घड़ा जी मौजूद है यहाँ पे, जयंतीलाल जी ने मुझे कान में आके बोला विस्पर कह के एक डायलॉग जरूर बुलवा ले यार, दामिनी का दामिनी तो बनता है, यस और नो? दामिनी के डायलॉग तो बोलते रहते हैं हमेशा, ये 2.5 किलो का हाथ, वो तो हम रेडियो में बहुत बोलते हैं, लेकिन आप बतारी, पर आपकी बात ही अलग है, दोनों हो जाए। आलोक जी ने कहा अरे चिल्लाना बंद करो नहीं तो क्या था डायलॉग भाई? ये केस यही रफा दफा हो जाएगा। हाँ ये केस यही रफा दफा हो जाएगा, तुम चिल्लाते रहोगे और मैं मारता रहूंगा, समझ गया सर। श्वेता बोल रहा हूँ एबीपी न्यूज से, ये जी आपके सामने सर, वो ताबड़तोड़, ये बहुत ताबड़तोड़ आप कर रहे हैं सिंह साहब द ग्रेट में, ताबड़तोड़ दामिनी का वो डायलॉग अगर आप सुना करें, जज ऑर्डर करता रहेगा और तो पिटता रहेगा, वही तो अभी बोल रहा था, याद कर नहीं, बोल दिया अभी सर, ज्यादा मुझसे मत बुलवाइए। अच्छा तारीख पे तारीख तो बोल दीजिए, क्या करें सर, तारीख पे तारीख। अरे देखिए ये हमारी फिल्म है सिंह साहब द ग्रेट, और अगर
सरदार को गुस्सा आ गया ना और दुश्मन को पकड़ लेगा तो उसकी हड्डियां तड़ 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 तड